सो या गाइस, अभी ना मेरा बैग वैग सब कुछ पैक हो गया था और मेरा प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो गया था, तो पापा ने वो भी ला के दिया था, वो भी मैंने रख लिया था। तो अभी आज मैं पहनूंगी ये वाला चूड़ा, क्योंकि अभी सावन चल रहा है इसलिए लहरी का चूड़ा मुझे पहनना है। और आप देख सकते हो मेरी मेहंदी भी एकदम डार्क डार्क रच गई है। और अभी बस रेडी होना है क्योंकि अभी वो आ रहे हैं, तो अभी मैंने नहा धो के खाना खा लिया है और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। अभी मैंने चूड़ियाँ पहन ली है और ये बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ लग रही है, मम्मी लेके आए थे मेरे लिए। और नेल पेंट भी लगा लिए, मतलब ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज होना है ससुराल। तो कैसी लगी लहरिए वाली चूड़ियाँ कमेंट करके बताना। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ना सुबह नहा धो के और खाना वाना मैंने खा लिया था, फिर मैं थोड़ी सी सो गई थी और उसके बाद मैं उठी हूँ। उठने के बाद मैंने पहना ये चूड़ा और ये जो मैंने कल मेहंदी लगाई थी ये भी अच्छी खासी रच गई है। और अभी ना मैंने सूट भी पहन लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी आज जाना है ससुराल और आज ससुराल जाऊँगी मैं पूरा 3 महीने बाद। तो ऐसे अजीब सा फील हो रहा है अंदर से कि मैं काफ़ी दिनों बाद ससुराल जा रही हूँ। और इतने दिन मम्मी पापा के साथ रह ली तो बहुत याद आएगी यहाँ की, पापा मम्मी की भी। बट अभी 8वां लगने वाला है इसलिए उससे पहले घर जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पति देव आ रहे हैं लेने, उनका भी फ़ोन आया था कि वो बस पहुंचने वाले हैं, तो फिर लेट नहीं होना है, उनके आते ही जाना है क्योंकि फिर शाम को उनके ऑफिस का टाइम हो जाएगा। इस वजह से ना मैंने सूट चेंज कर लिया, क्योंकि पहले वो वाला सूट पहना था बट उसमें तारे थे तो वो काफ़ी चुभ रहे थे, इरीटेशन हो रही थी, तो फिर मैंने एक कॉटन का लहरिए का सूट पहन लिया। तो फाइनली पतिदेव आ गए थे और पापा और ये दोनों साथ में बैठ के इधर उधर की थोड़ी बातें कर रहे थे। सो गाइज, यू कैन सी पानी वाला कछुआ जो कि बहुत लकी माना जाता है। बाय बाय बिट्टू, बाय बाय बिट्टू। तो फाइनली आ गया है अपने घर जाने का टाइम और ये कुछ रिचुअल्स होती है तिलक की और जुआरी की, तो मम्मी इनकी जुआरी कर रहे थे क्योंकि जब भी जवाई घर आता है तो उनकी जुआरी करते हैं हमारे अपने राजपूतों में। आई होप सभी कास्ट में करते होंगे बट मुझे राजपूतों का पता है तो हमारे यहाँ पे होती है ये रिवाज। तो बेटी जवाई जब भी साथ में जाते हैं, मतलब ससुराल अपने, तो उनकी तिलक लगा के और जुआरी करी जाती है। राजी राजी ले ले। बेटा को ले ले दादा, भांज होगी तो ज्यादा खुश हो गए है ना। मेरी बाय। मैं जाऊं? मैं जाऊं? जा। आ रही टप्पी? टप्पी आ रही क्या? अरे हिंदू फिर ये इसका ज्यादा जी जलता है। बाय बिट्टू, चलो ऑटो। बाय। रोना नहीं मम्मी। उठ देना आना मेरे, मैं आ जाऊंगा लेने। हाँ।
वोट ही देने हैं। बाय। उसके बाद हम लोग गए बड़े मम्मी के घर पे, तो बड़े मम्मी भाभी जाओ के ढूंढ दिए और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो गाइस एक बात तो मैंने देखी है, पीहर चाहे कैसा भी हो, गांव हो शहर हो और कितना भी रह लो पीहर में, बट बहुत याद आती है पीहर की, क्योंकि पीहर से हमारा बचपन जुड़ा होता है, पीहर से हम बड़े होके निकलते हैं, तो काफ़ी याद आती है हमेशा। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं ससुराल और ये आगे लेने क्लीन शेव करके। आज आपने क्लीन शेव क्यों करी? आज इनको इतने दिनों बाद देखा, वो भी क्लीन शेव में, तो बहुत अजीब से लग रहे हैं। बट अभी हम लोग जा रहे हैं घर और शाम के 5 बज गए और 6 बजे तक हमको घर पहुंचना है, बिकॉज इनके ऑफिस स्टार्ट हो जाता है इसलिए। और अब हम आएंगे 2-3 महीने बाद वापस। हाँ जी, तो बताइए कैसे निकले आपके 3 महीने हमारे बिना? अच्छे नहीं थे ना? तभी इतने पतले हो गए, इतने चेंज लग रहे हैं मुझे, ये इनकी मुंह भी बिल्कुल पतला सा हो गया और बिल्कुल थक गए ये मेरे बिना। खाना नहीं खाया था क्या आपने? तो उस नाई को भी बोला था। क्या क्या, मेरी उम्र 2-4 साल छोटी हो गई। इतने पतले कैसे हुए? मतलब कुछ खाया नहीं है मेरे गम में। सबसे बड़ी टेंशन में यही सोच के कम हो गया मेरे बारे में, सोच के कि अब मैं आने वाली हूँ ऐसा। बल्कि ऐसे बोलो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगा 3 महीने, है ना? आज तो ऐसे कली कली खिल रही होगी ना आपकी। खुशियां चली गई आज। आप मैं जब 3 महीने पहले इधर आई थी ना, जब आपने ऐसे बोला था कि तुम अब जा रही हो ना, तो मेरे खुशी के दिन आएंगे, तो उस हिसाब से मेरे को आपको देखते हुए लग नहीं रहा कि आपके खुशी के दिन थे वो। अब खुशी के दिन खत्म हो गए, इतने पतले हो गए आप, आपको देखते हुए मेरे को एक जरा सा भी नहीं लग रहा कि आपको खुशी हुई थी। तो गाइस हम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं और ये सब इनके वहम है कि मैं इधर आ जाती थे, खुश रहते हैं। कितना सुंदर लग रहा हूँ भाई मैं, आपसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। आई थी कितनी पतली होके और जा रही हूँ कितनी मोटी होगी, 100 किलो तो वजन हो ही गया होगा मेरा, है ना? मैं मोटी होकर ये थक गए। बच्चे की टेंशन है क्या? तुम्हारी टेंशन है। मैं तो इतनी स्वीट सी बच्ची हूँ, मैं क्या ही टेंशन देती हूँ आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाय रिंग रोड और ये हमारे इधर की रिंग रोड है जो हमको सीधा पहुंचा देगी अजमेर रोड पे। फिर वहां से हम लोग जाएंगे सिक्कर रोड पे, उधर से हमारा घर आएगा। उसके बाद थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया था तो मैंने खाया भुट्टा। आप देख सकते हो मौसम कितना चेंज हो गया, एकदम ब्लैक ब्लैक बादल हो गए और ये भी फोन के कैमरे में इतना नहीं दिख रहा, बट बहुत ज्यादा ऐसे काले काले बादल हो रहे हैं। आज तो बारिश होने वाली है ना, है ना? बादल में आपको दिखाती हूँ, अभी ऐसा मौसम हो रहा है इधर और आई थिंक बहुत तेज बारिश आने वाली है। इधर स्टैंडर्ड ऑल टाइम फ्रेश, ये कुछ रेस्टोरेंट सॉरी स्वीट शॉप है इधर, तो वहाँ से ये लेने गए हैं मिठाई, क्योंकि मम्मी ने मतलब पैसे दे के भेजे थे कि मिठाई वगैरह ले जाना घर के लिए, तो मैंने कहा आप इधर से ले लेते। तो रिंगस की बहुत फेमस दुकान है, दुकान क्या बोल। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए रिंगस और रिंगस से भी घर हमारा है 15 किलोमीटर दूर, तो
तो अभी मैंने कहा रिंगस आ गए हैं तो इधर से भी कुछ ले लेते हैं, मिठाई स्वीट्स, क्योंकि अभी आज सिंजारा है, कल तीज है, तो मम्मी ने बोल के भेजा था कि मिठाई लेते हुए जाना, और तो इस वजह से अभी हम लोग रुके थे रिंगस में कुछ मिठाई लेने। और आप देख सकते हो बारिश भी आ रही है और काफ़ी अच्छा इधर मौसम हो रहा है। मैं जयपुर से निकल के आई हूँ बट इतने दिन मैंने वहाँ पे बारिश नहीं देखी थी, और हेडेक भी हो रहा है बहुत तेज, सर भी दुख रहा है, और सर दुखते तो आज 7-8 दिन हो गए, रोज़ थोड़ा 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 दुखता है, बट अभी भी स्टार्ट हो गया। तो अभी बस 15 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से मेरा घर, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा और मान लो फिर हम पहुँचते हैं घर। बहुत तेज़ बारिश और पहले थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी बट अभी बहुत तेज़ बारिश आ गई। आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश आ रही है और ऊपर गाड़ी की छत से भी आवाज़ आ रही है बारिश की बहुत तेज। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बारिश देखी है, मतलब आई थिंक 15-20 दिन तो हो गए होंगे जयपुर में बारिश नहीं हो रही थी, बट इधर आते ही मुझे बारिश देखी तो सुकून सा मिला है। और मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत दिनों बाद आई हूँ तो बहुत याद आ रही है उनकी। क्या लेके आए? ये तो घेवर लाया हूँ, वो है ही नहीं, उसके फीली नहीं थी वहाँ तो मारा मार। सो गाइस आज पूरा 3 महीने बाद मैं मिलूंगी मेरे डॉलर से, तो अब बस जस्ट मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। So, ये है आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा। $2 का तूफान देखने के बाद हमने खाया खाना और दैट्स माय। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पहना लहरिया, क्योंकि आज तीज थी तो हमने सबने लहरिया पहना और बहुत सारी फोटोज ली और रील्स बनाई, जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगी। नेहा वाइसा आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे, आप भी उस फॉलो कर सकते हैं।